महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने यूट्यूब पर ध्रुव राठी के पैरोडी मिलते जुलते नाम वाले अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में इसे फर्जी संदेश पोस्ट किया गया था। राज्य के साइबर विभाग के अनुसार ध्रुव राठी नाम वाले अकाउंट से दावा किया गया है कि बिरला की बेटी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए बिना ही उसे पास कर दिया गया। एक्स अकाउंट की परीक्षा में लिखा है, ये एक प्रशासक पैरोडी अकाउंट है, इस ध्रुव राठी के मूल अकाउंट से कोई संबंध नहीं, किसी की नकल नहीं की जा रही है, ये अकाउंट पैरोडी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओम बिरला के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इसे लेकर पुलिस ने राठी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जब ये बताया गया है कि कथित फर्जी संदेश राठी ने नहीं किया बल्कि एक पैरोडी अकाउंट से पोस्ट किया गया, तो अधिकारी ने कहा कि हम मामले की जाँच कर रहे हैं। पैरोडी अकाउंट से शनिवार को एक और पोस्ट की गई जिसमें लिखा, महाराष्ट्र साइबर विभाग के निर्देश पर मैंने अंजलि बिरला के बारे में अपनी सभी पोस्ट और टिप्पणियां हटा दी। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे तथ्यों के बारे में पता नहीं था, मैंने किसी और के ट्वीट की नकल करके इसे साझा किया। गौरतलब है कि ध्रुव राठी ने कुछ दिनों पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने बताया कि उनके घर नन्ना मेहमान आने वाला है। जी हां, ध्रुव राठी की पत्नी जूली LVR गर्भवती हैं पर इसी साल दिसंबर में मां बनने वाली। इस जानकारी को देते हुए कुछ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की जिसमें जूली बेबी पंप के साथ नजर आ रही है।